See now. Today we are going to do sums with. Today we are going to do sums with single balance sheet, but only two. Opening balance sheet will be given to you in the problem. क्वेश्चन में वो लोग एक बैलेंस शीट बना के देंगे और अपने को दूसरा बनाना. सो उससे पहले होमवर्क आया आपको? एनी डाउट इन होमवर्क? होमवर्क चेक कर लो. दो सम दे राइट, सिक्स और ट्वेल्व. सिक्स्थ सम का सरप्लस आ रहा है 15820, कैपिटल फंड इज 186760 एंड बैलेंस शीट 186910. दूसरा सम में डबल बैलेंस शीट था, आपका सरप्लस आ रहा है 300 रुपया, कैपिटल फंड ओपनिंग कैपिटल फंड 91,000, क्लोजिंग 93,550 एंड टैलीज ऑन 96,300. इज दैट राइट? बराबर छे 96,300 आया दोनों सम. खुद से आया, इज्जत से किया है, मैंने देखा नहीं आया सब. बोलो इज्जत से, कॉपी इज्जत से कॉपी करो ना, वही काम करो. बोला भी नहीं है. बेटर डोंट कॉपी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग. यू हैव व्हाट्सएप, यू हैव कॉल फीचर, यू आस्क, पूछो इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछो, वो तुम्हारा ज्यादा एक्टिव रहता है. चलो चलो नाउ फोकस. टुडे सम्स आर मोस्ट लाइकली टू कम इन योर पेपर. These are sums from 20 to 28. These are the most important sums of NPO. We are going to start them today. 20 to 28. देखो, starting with sum number 21. सम नंबर 22. चलो फटाफट सम नंबर 22 ध्यान दो सब लोग, प्लीज फोकस. 22nd सम, सी दिस इज अ न्यू वैरायटी नाउ. पेज नंबर 117 118. आज का होमवर्क भी ऐसे ही आएगा आपको. देखो सीन क्या है, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में बना के दिया हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, क्लोजिंग ही बनानी है. बट एवरी आइटम ऑफ लास्ट ईयर विल बिकम लास्ट ईयर्स एडजस्टमेंट. Every item of last year will become last year's adjustment, जिसका एक इफेक्ट हो चुका है और दूसरा आपको देना है, ठीक है. तो अभी लास्ट ईयर के एडजस्टमेंट नीचे नहीं मिलेंगे आपको, कहां से ढूंढने हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट से ढूंढना है, उसको छोड़ नहीं देना है, बना के दे दिया है. वो हर एक आइटम ऑफ लास्ट ईयर विल बिकम लास्ट ईयर का एडजस्ट. So how to proceed with the problem? You first mark down your payment receipts, then last year's adjustment, and then current year's adjustment. In part mein karna hai.
start with receipt payment account. See, what is the current year? पहले वो सोच लो अच्छे से. What is the current year? 31st March 11, right? 10-11. So sports material purchase. Check whether you have any sale or depreciation on sports. What? Current year is 10-11. We are doing your 22nd. 11-12 is the current year. Indian hospital. Yeah. 11-12 is the current year. Start with payments, salaries. Come on, tell me what is salaries? Expense. Medicines. Always I told you, medicines and drugs are always what? Expense. Every year you use them, okay? Equipment purchase, asset. General expense, expenses. Balance carry down, cash bank, asset. Opening cash bank. देखो लास्ट ईयर बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें दिख रहा है कैश बैंक ओपनिंग 3 and 6,000. जस्ट टेक इट विद पेंसिल बिकॉज दैट इंडिकेट्स दिस कैश बैंक का इफेक्ट हो चुका है. आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. सो बाय द एंड ऑफ द सम ऑल योर आइटम्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट मस्ट हैव बीन टिक्ड. तो यहां में पहले ओपनिंग कैश बैंक दिख रहा है आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में 3 और 6,000. वो रिसीव पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस वो ऊपर ही है आपका लास्ट ईयर एसेट बराबर है. उसका कोई और इफेक्ट आएगा नहीं. जस्ट वन इफेक्ट रिकॉर्डेड आइटम ऑफ रिसीट एंड पेमेंट. रिकॉर्डेड आइटम ऑफ रिसीट एंड पेमेंट इज जस्ट वन इफेक्ट इन लास्ट ईयर एसेट. बट दैट क्लोजिंग इन करंट ईयर एसेट ओपनिंग इन लास्ट ईयर एसेट दैट्स इट. उसका कोई दूसरा इफेक्ट आने वाला नहीं है. एक ही है रिसीव पेमेंट ओपनिंग. गॉट इट. हेलो मिला क्या. देन सब्सक्रिप्शन 65,000. मुझे बताओ ईयर वाइज एक की मिलावटी अशुद्ध है. मिलावटी 65 में सारा कुछ पड़ा हुआ है लास्ट ईयर करंट ईयर नेक्स्ट ईयर बराबर है. ईयर वाइज नहीं दिया तो सब एडजस्टमेंट करना. वो 1,000 क्या मैं बाद में बताता हूं. सेल ऑफ फर्नीचर में दो वैल्यूज दिया है 10 और 1 15. अपने काम का कौन सा क्यों सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा. याद है आपको मैंने एंट्री भी बताई थी 15 का फर्नीचर है और बेचा कितने में. तो एंट्री क्या होती है 15 का 10 में बेचते तो कैश लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू फर्नीचर. याद है ये. सो 10, 5 and 15 इसमें अगर स्प्लिट करोगे तो दो एंट्रीज मिलेंगी. व्हाट आर द स्प्लिट एंट्रीज रिमेंबर. व्हाट आर द स्प्लिट एंट्री. कैश टू फर्नीचर हाउ मच 10 एंड देयर इज वन मोर व्हाट लॉस टू फर्नीचर हाउ मच 5 राइट. नाउ आउट ऑफ दीज टू एंट्रीज एंड 4 पोस्टिंग्स वन ऑफ द पोस्टिंग हैज बीन डन. दो एंट्री मतलब 4 पोस्टिंग होता है. ये 4 पोस्टिंग में से एक हो चुका है. कौन सा पता है. कैश में 2 फर्नीचर लिख दिया. कैसे पता चला. बिकॉज जो आपको क्वेश्चन में दिया वो कैश अकाउंट है रिसीट पेमेंट अकाउंट है. उसमें 2 फर्नीचर दिख रहा है वो ये है कैश 2 फर्नीचर हो चुका है. आपको क्या करना बाकी है. आपको फर्नीचर में बाय कैश लिखना है फर्नीचर में बाय लॉस लिखना है और लॉस में 2 फर्नीचर लिखना है. ये 3 पोस्टिंग्स बाकी है. अभी मैं लॉस में 2 फर्नीचर लिखेगा बट लॉस इज नॉमिनल. तो एंड ऑफ द ईयर लॉस में क्या आएगा बाय पीएनएल की जगह बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या रिफ्लेक्ट होगा लॉस टू लॉस हाउ मच 5,000. तो वो लॉस रिकॉर्ड हो गया. एंड फर्नीचर में क्या करूंगा मैं बाय कैश 10 एंड बाय लॉस 5. बाय कैश 10 एंड बाय लॉस 5 मतलब फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है. फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है मतलब फर्नीचर बढ़ा कि घटा. कितने से 15. दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू रिमेंबर व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द सेल पार्ट एसपीडी एट द टाइम ऑफ सेल व्हाट डू यू सब्ट्रैक्ट बुक वैल्यू और सेल वैल्यू. बुक वैल्यू. व्हाई बुक वैल्यू वी आर एक्चुअली सब्ट्रैक्टिंग दीज टू आइटम्स बाय कैश 10 एंड बाय लॉस 5. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. तो फंडा वही है लास्ट ईयर का एसेट करंट ईयर में लेके आओ एसपीडी करो. बट याद रखना है कि सेल के वक्त फर्नीचर में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे बुक वैल्यू ना कि सेल वैल्यू. इज दैट क्लियर.
सो 100 बात की एक बात, वो 10,000 का इफेक्ट आने वाला नहीं है. 10 को सर्कल मारो, 10 के जगह आप दो इफेक्ट दोगे. एक होगा 15,000 बुक वैल्यू लेस फ्रॉम फर्नीचर, एंड दूसरा होगा 5,000 का लॉस, दैट इज एक्सपेंडिचर टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. गॉट दैट? नेवर एवर रिकॉर्ड सेल वैल्यू इन योर एक्चुअल आंसर. सेल वैल्यू ऊपर कैश अकाउंट में हो जाता है. आपको क्या करना है, एसेट में से बुक वैल्यू उड़ाना है, और यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पे लॉस है तो विल रिकॉर्ड लॉस, प्रॉफिट होता तो विल रिकॉर्ड प्रॉफिट. इज इट क्लियर? समझ आया इसका लॉजिक? सेम ही है जो आप नॉर्मली डेप्रिसिएशन चैप्टर में कर रहे थे. सेल ऑफ फर्नीचर 10,000, इग्नोर इट. 15 यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्नीचर, एंड 5,000 का लॉस अंडर एक्सपेंडिचर. बड़े आगे डोनेशन आर रेवेन्यू. रेवेन्यू मतलब क्या? इनकम. लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में पढ़ो क्या दिया. कैपिटलाइज करने को बोला है पॉइंट नंबर टू में, तो क्या करोगे? एड टू कैपिटल. अभी नीचे एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले ऊपर पढ़ना है. ऊपर मतलब प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में. ओके, स्टार्ट विद द एसेट्स. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. वुड इट हैव एनी अदर इफेक्ट? नो, इट हैज बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड. ओपनिंग बैलेंस हो चुका है. लैंड एंड बिल्डिंग, ये कहां से आ रहा है? लैंड एंड लास्ट ईयर एसेट, तो क्या करोगे? एल वाई ए टू सी वाई ए, फिर एसपीडी. एल वाई ए सी वाई ए एसपीडी. फर्नीचर सेम फंडा, एल वाई ए सी वाई ए एसपीडी. हेलो, लास्ट ईयर एसेट टू करंट ईयर एसेट फिक्स्ड एसेट. व्हाट अबाउट इक्विपमेंट? सेम, लास्ट ईयर एसेट टू करंट ईयर एसेट एसपीडी. व्हाट अबाउट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस? विच आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग? माइनस वन सब्सक्रिप्शन एंड लास्ट ईयर एसेट. इज दैट राइट? अच्छा, विल यू सब्ट्रैक्ट? अब ध्यान से सब्सक्रिप्शन देखो वापस. उसके बाजू में देखो, ब्रैकेट में दिया हुआ है इंक्लूड्स रुपीज 1,000 रिसीव फ्रॉम प्रीवियस ईयर. बोला वो नहीं भी दिया होता ना तो भी माइनस करने का, क्योंकि अज्यूम करने का वो 65,000 क्या रोकड़ा है. वो रोकड़ा जब मिलेगा तो उसमें पहले कौन सा मिलेगा? फिर करंट ईयर का, फिर नेक्स्ट ईयर. तो वो 1,000 का इन्फो ना भी होता तो लोग अज्यूम करते कि वो 1,000 पड़ा हुआ है, तो 1,000 तो माइनस करना ही था. वो ब्रैकेट में देने से एडिशनल इन्फो हो गया कि भाई माइनस करना ही है. ना भी होता तो भी माइनस करते. वो ब्रैकेट का इन्फो से कोई फर्क नहीं पड़ा अपने को. समझ में आया? 1,000 का लॉजिक समझा. लास्ट ईयर एसेट एंड लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इस साल को बिलोंग नहीं करता है. कट टू लाइबिलिटीज. कैपिटल फंड दिया हुआ है. लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स ये साल का ओपनिंग. 6,02,500. गॉट दैट? 5,02,000 लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स ये साल का ओपनिंग. मिला? देन देयर इज मेडिसिन बिल अनपेड. कैन यू सी दैट? इट मींस इट इज आउटस्टैंडिंग, राइट? बट ऑफ विच ईयर? लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल. व्हाट एम आई गोइंग टू डू? लास्ट ईयर लायबिलिटी में तो है, वो इफेक्ट हो चुका है. मुझे क्या करना है? माइनस करना है कि नहीं करना है? क्यों करना है बता आपको? क्योंकि ये जो मेडिसिन दिख रही है आपको, 26,000 जो आपने पे किया, इसमें सबसे पहले क्या पे किया होगा? लास्ट ईयर. वो 3 पड़ा हुआ है, हटाओ. यहाँ के एक्सपेंस को बिलोंग नहीं करता, तो माइनस फ्रॉम मेडिसिन एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी. बट अगर एडजस्टमेंट में नीचे कुछ ऐसा दिया होता कि लास्ट ईयर्स मेडिसिन बिल पेएबल इज स्टिल अनपेड, लास्ट ईयर्स मेडिसिन बिल पेएबल इज स्टिल अनपेड, तो क्या करते हैं? तो वुड यू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम मेडिसिन? नो, मतलब वो 26 का 26 करंट ईयर. तो ये 3,000 एक तो लास्ट ईयर लायबिलिटी में है और करंट ईयर लायबिलिटी. ये लास्ट ईयर भी देना बाकी था और ये साल भी देना बाकी है, दोनों लायबिलिटीज में जाएगा. जैसे वो सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर्स किया था हमने, लास्ट ईयर एसेट एंड करंट ईयर एसेट. लास्ट ईयर भी बाकी था, ये साल भी बाकी है, याद है? वैसे ये मेडिसिन लास्ट ईयर भी देनी बाकी है, ये साल भी देनी. ऐसा मेडिसिन समझा? ऐसा दे सकते हैं कभी कभी, आगे सब में हम भी करेंगे. चलिए, मेडिसिन समझ में आया. लास्ट ईयर लायबिलिटी हो चुका है, लेस फ्रॉम मेडिसिन करना है. अभी नीचे की तरफ आइए, करंट ईयर एडजस्टमेंट पे. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर 6,000. ये कौन सा आउटस्टैंडिंग? क्या करोगे आप? एक्टिव सब्सक्रिप्शन एंड एसेट्स बिलोंग्स टू दिस ईयर. कैपिटलाइज मेंबरशिप फीस किया हुआ है. आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करोगे? एक्टिव सैलरी एंड लायबिलिटी एंड डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट एंड एक्सपेंस. लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट एंड एक्सपेंस. गिव डॉट्स क्विकली. करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 2 डॉट्स. व्हाई 2 डॉट्स? यू अंडरस्टूड? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. कैपिटलाइज LMF, LMF पे 1 डॉट.
Salaries, 1 dot. Land and building and equipment, 1 dot. No, sorry. Land and building and equipment, 2 dots. Sorry, 1 minute. Land and building, 1 dot. Equipment, 2 dots. Land and building, 1. Equipment, 2. Land and building, 1. Equipment, 2. Furniture, 1 dot. Why, you know? No? Sale. लैंड एंड बिल्डिंग पे एक का पता है डेब्री इक्विपमेंट पे दो क्यों किया परचेज और डेब्री और फर्नीचर पे एक क्यों किया सेल सेल मिला सैलरी पे मारा ना अभी मेडिसिन पे वाई मेडिसिन वन लास्ट ईयर का पे किया शुरू करते हैं फटाफट सैलरी से सम नंबर 22 टेल मी एनी डॉट ऑन सैलरी आउटस्टैंडिंग कौन सा है लास्ट ईयर और करेंट क्या करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2012 दिस इज 6000 यू गेट 61 मेडिसिन एनी डॉट यस व्हाट डू वी हैव चेक आउटस्टैंडिंग बट करंट ईयर की लास्ट ईयर लास्ट ईयर तो माइनस की प्लस माइनस इस साल को बिलोंग नहीं करता लेकिन पे तो जरूर किया ही होगा इसके अंदर पड़ा होगा पहले लास्ट ईयर का पे करते हो फिर करंट ईयर का इक्विपमेंट का क्या सीन है जैसे कोई फिक्स्ड एसेट दिखे क्या करने का पता है पूरा राम गांधी खत्म तो लास्ट ईयर चेक करो इक्विपमेंट था कि नहीं था लास्ट ईयर इक्विपमेंट था उसको पेंसिल से टिक करो मतलब आपने लिख लिया बना नहीं रहे बैलेंस शीट तो टिक करो मतलब यू हैव रिटन इट वर्चुअली यू हैव रिटन इट सो इक्विपमेंट पे टिक मारो लास्ट ईयर कितने का था आई थिंक 60 का ब्रिंग इट टू दिस ईयर ब्रिंग इट टू दिस ईयर फिर प्लस परचेज है सेल तो है नहीं इक्विपमेंट का प्लस परचेज कितने का किया आपने 10 तो टोटल हो जाएगा 70 डेप्री है ना 15,000 का डेप्री है तो यू अराइव एट व्हाट 55 मिला जनरल एक्सपेंसेस आर व्हाट एक्सपेंस जनरल एक्सपेंसेस आर एक्सपेंस 4300 एंड कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दे आर करंट ईयर्स क्लोजिंग एसेट्स These are what 7,700 and 15,500. Listen now. Opening cash bank आपने already tick किया हुआ है दिख रहा है? Last year asset में लिख दिया हमने. वापस लिखोगे कहीं पे और ओपनिंग कैश बैंक कहीं और आएगा ओपनिंग लास्ट ईयर एसेट चूजिंग करंट ईयर एसेट डन सब्सक्रिप्शंस एक ही दिया है सब्सक्रिप्शन मिलावटी तो वेयर डू यू पुट बोलो सब्सक्रिप्शन इनकम हाउ मेनी डॉट्स टू नंबर वन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर क्या करोगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर एड कितना है वो 6,000 एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर भी इसके अंदर पड़ा है कितना 1,000 वो 1,000 ब्रैकेट वाला इनको ना होता तो वो भी करते ही माइनस समझ में आया यू वुड हैव डेफिनेटली सब्ट्रैक्टेड ना भी दिया हो तो भी यू वुड हैव सब्ट्रैक्टेड किया ही होता क्योंकि अजम्पशन है साइकिल ऑफ इनकम एंड साइकिल ऑफ एक्सपेंस कैसे जाता है पहले आप लास्ट ईयर का पे करते हो फिर करंट ईयर फिर नेक्स्ट ईयर और इनकम में भी पहले लास्ट ईयर की रिसीव करोगे फिर करंट ईयर फिर नेक्स्ट ईयर दैट इज अ नॉर्मल साइकिल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस सेल ऑफ फर्नीचर फर्नीचर दिखा मेरे को कुछ भी दिखा परचेज सेल फर्नीचर पूरा राम गांधी खत्म करना है लास्ट ईयर था फर्नीचर चेक करो था क्या उसको टिक करो उसको टिक करने वाला आपने लास्ट ईयर एसेट में लिखा फर्नीचर को टिक करो ओके टिक किया इतना था फर्नीचर लास्ट ईयर हाउ मच वॉज फर्नीचर इन द लास्ट ईयर 35
ब्रिंग इट टू दिस ईयर, सेल है क्या माइनस करूं, सेल वैल्यू या बुक वैल्यू, ये दिख रहा है यहाँ पे फर्नीचर में बाय कैश बाय लॉस 15,000, व्हाट इज द बुक वैल्यू 15। अच्छा, इज देयर एनी परचेज और डेप्री है, तो स्ट्रेट 20 इन द ऑर्डर कॉलम एंड इमीडिएटली रिकॉर्ड दैट लॉस ऑल्सो। हाउ मच इज योर लॉस, तो वो जाएगा एक्सपेंस में, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितने का लॉस हुआ 5। प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट कर देता, लॉस है तो लॉस कर देना रिकॉर्ड, समझा। देन यू हैव डोनेशंस, दैट इज रेवेन्यू इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या करने बोला, देखो कैपिटलाइज मतलब एड टू कैपिटल फंड, इट इज 12,500। दैट कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम, रिसीव्ड पेमेंट। द सेकेंड पार्ट इज लास्ट ईयर्स एडजस्टमेंट थ्रू लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट एंड द थर्ड पार्ट इज करंट ईयर्स एडजस्टमेंट विच इज गिवन बिलो द रिसीव पेमेंट। नाउ सी, यहां तक हो गया। अभी लास्ट ईयर बैलेंस शीट से एक एक आइटम देखते जाओ जो जो टिक नहीं किया। सबसे पहला कैश बैंक हो चुका होगा टिक, लैंड एंड बिल्डिंग हुआ है नहीं हुआ है, बाकी है तो लिखो लास्ट ईयर एसेट से टपके का करंट ईयर एसेट। भैया लास्ट ईयर बैलेंस शीट का एक आइटम देखना छोड़ना नहीं है, डोंट लीव इवन अ सिंगल आइटम ऑन लास्ट ईयर बैलेंस शीट, एवरी आइटम विल हैव सम ऑर द अदर इफेक्ट। लैंड एंड बिल्डिंग कितना था लास्ट ईयर से करंट ईयर, 4 लाख। इज देयर एनी सेल परचेज डेप्री, हाउ मच, सो दिस बिकम्स 3,90,000 मिला। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर टिक होगा, ऑलरेडी टिक फर्नीचर, यस लास्ट ईयर से करंट ईयर यू हैव डन दैट राइट। इक्विपमेंट टिक द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्या है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, वन इफेक्ट इज लेस, सेकेंड इज लास्ट ईयर एसेट, सो नाउ यू टिक, यू हैव रिटन इट, टिक इट आउट। देन कैपिटल फंड, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम 6 साल का ओपनिंग, उसको भी टिक करो, 5,02,000 मिला। देन मेडिसिन बिल, वो कैश इन फंड नहीं है कैपिटल फंड है, प्रिंटिंग एरर है, कैपिटल फंड है। मेडिसिन बिल अनपेड, देखो मेडिसिन ऑयल अनपेड लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, आर्य मेहता वन इफेक्ट यू हैव सब्ट्रैक्टेड एंड व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट, लास्ट ईयर्स।